इस दुनिया में हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से अलग होता है। जिसने भी जन्म लिया है वह किसी न किसी रूप से अलग ही है, चाहे उसकी मानसिक की बात करें या फिर बाहरी फिजिकल स्ट्रक्चर की। उन्हीं लोगों में से कुछ लोग महान निकल जाते हैं और कुछ लोग अनसक्सेसफुल। जिनके अंदर मेहनत करने की जिज्ञासा होती है वे लोग बड़ी बड़ी उपाधियों को छूते हैं, और जिनके अंदर ये जिज्ञासा नहीं होती वे दरअसल में छोटे ही रह जाते हैं। कुछ सोच से हमें पता चला है कि आपकी उंगलियां या फिर आपके हाथ की लकीरें आपके व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ कहती हैं, या फिर आपके भविष्य की ज़िंदगी। इन सभी चीज़ों को बड़े बड़े राजाओं से और बड़े बड़े महान सक्सेसफुल पर्सन से कंपेयर करके इस वीडियो को बनाया जा रहा है। एक नए सोच के हिसाब से हम इस वीडियो को क्रिएट कर रहे हैं ताकि एक नई दिलचस्प बातें आपके सामने आए, और हम आपको बताएंगे कि आपकी उंगलियां या फिर आपकी उंगलियों के साइज या फिर आपके हाथ की लकीरें आपके व्यक्तित्व के बारे में, आपके भविष्य के बारे में क्या कहती हैं। अनुसंधान हर समय किए जाते हैं, उनमें से कुछ अनुसंधान हमारे शरीर से सीधे जुड़े हुए होते हैं, और ऐसी इन्फॉर्मेशन को हम इस चैनल पर लेके आते हैं और नए नए वीडियोस पर डे अपलोड होते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे हम आपको तीन प्रकार की उंगली के साइज फिंगर साइज बताएंगे, उनमें से आप कंपेयर करके जरूर बताएं कि उनमें से आपकी कौन सी मैच हो रही है, और उनके व्यक्तित्व स्वभाव आचरण और व्यवहार के बारे में आगे हम आपको बताएंगे, तो आइए जानते हैं। नंबर फर्स्ट, द रिंग फिंगर इज लॉन्गर देन द इंडेक्स फिंगर। यदि आपकी अनामिका उंगली तर्जनी से अधिक लंबी हो। दरअसल में ऐसे पर्सन वाले लोग थोड़े अधिक हैंडसम होते हैं और अधिक चार्मिंग भी होते हैं, और ऐसे लोग किसी के साथ रहने में सक्षम होते हैं और इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ऐसे पर्सन एग्रेसिव होते हैं और ये अपनी ज़िंदगी में रिस्क लेने का शौक रखते हैं। ऐसे शॉर्टर रिंग फिंगर वाले पर्सन अपने कलीग्स के कंपैरिजन मोर मनी अर्न करते हैं और एक सक्सेसफुल लाइफ जीते हैं, मीन्स एक बेहतरीन लाइफ के साथ जीते हैं और अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करते हैं। नंबर सेकेंड, द रिंग फिंगर इज शॉर्टर देन द इंडेक्स फिंगर। यदि आपकी अनामिका उंगली दर्जनी से छोटी हो। ऐसे हैंड वाले व्यक्ति बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं और थोड़े नशीले भी होते हैं। ऐसे लोगों को अलोन लाइफ या फिर अकेले रहने में कोई परेशानी नहीं होती है, और ये लोग अपने लाइफ में डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। और अगर बात की जाए प्यार की, ये लोग कभी भी प्यार से बाहर नहीं निकलते हैं, मीन्स थोड़े प्रेमी भाव के होते हैं, और अपने लाइफ में कभी भी अपना पहला कदम नहीं उठाते हैं, मीन्स ये सक्सेस पाने के एक कदम पीछे ही रह जाते हैं। तो ऐसे पर्सन के लिए हमारी टीम की ओर से एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने लाइफ में हमेशा स्ट्रगल करते रहें, क्योंकि सक्सेस एक न एक दिन ज़रूर मिलेगी। नंबर थर्ड, द रिंग फिंगर एंड द इंडेक्स फिंगर आर ऑफ द सेम लेंथ। मीन्स अनामिका या फिर तर्जनी की लंबाई बिल्कुल समान हो। परहैप्स इस पॉइंट को मुझे पहले ही बोल देना चाहिए था। दरअसल में ऐसे हाथ वाले पर्सन काफ़ी लकी होते हैं। इस फिंगर साइज वाले पर्सन गुड मेडिएटर्स, वेरी लॉयल एंड वेरी लविंग होते हैं। इनकी ज़िंदगी में हर चीज़ बैलेंस्ड होती है, मीन्स कोई भी चीज़ ऊंच नीच नहीं होती है। इनकी ज़िंदगी में शांति होती है और ऐसा लगता है कि हर चीज़ इनकी ज़िंदगी में सुचारू रूप से चल रहा है, जैसे कि हर चीज़ व्यवस्थित हो। और अगर इनकी बात की जाए इनके स्वभाव इनके व्यवहार की, तो ये अपने स्वभाव में काफ़ी उच्च कोटि के होते हैं और व्यवहार में हाईली प्रोफाइल होते हैं। तो ऐसी ही अननोन इन्फॉर्मेशन, मीन्स ऐसी चीज़ें जिन्हें आप शायद ही जानते हो, इस चैनल पर बताई जाती हैं, जिसे काफ़ी स्टडी के द्वारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आप तक पहुंचाई जाती है। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।